एमआई स्टोर से मैंने ये पैकेट ऑर्डर किया है जिसकी आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। इसके अंदर हमें दो प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं, तो फटाफट से देखते हैं दो प्रोडक्ट्स कौन से हैं। एक हमें इसके अंदर देखने को मिलता है Xiaomi की नाइट लाइट्स, मोशन एक्टिवेटेड लाइट। ये मैंने कॉम्बो में मंगवाया है, तो ये हमें इसलिए दो देखने को मिले, जिसकी अनबॉक्सिंग मैं नेक्स्ट वीडियो में करके दिखाऊंगा। आज की इस वीडियो में इस MI बियर्ड ट्रिमर की अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आज मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ अपने चैनल टैक्टिल एंड पे। आज मैं फिर से आपके लिए एक अनबॉक्सिंग वीडियो लेके आया हूँ, और आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं इस MI बियर्ड ट्रिमर की। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ इसके प्राइस की, ये मैंने कहाँ से परचेज की है, कितने का परचेज किया है, इसका मैं पूरी अनबॉक्सिंग रिव्यू सब करने वाले हैं आज हम इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जाके सब्सक्राइब भी कर लें। और ये है MI का बियर्ड ट्रिमर। बॉक्स की बात करें तो MI के हमें सारे बॉक्स इस ऑरेंज कलर में देखने को मिलते हैं। बॉक्स की क्वालिटी काफी अच्छी देखने को मिलती है हमें। बॉक्स की बात कर लेते हैं, इसके अंदर हमें 40 लेंथ सेटिंग देखने को मिलती है, 90 मिनट्स इसका यूजेज टाइम है, और सेल्फ शार्पनिंग ब्लेड देखने को मिलता है, और साइड बॉक्स के साइड में हमें MI बियर्ड ट्रिमर लिखा हुआ मिलता है। बॉक्स के पीछे हमें कुछ डिटेल्स देखने को मिलती है, और इसका MRP है 1799 रुपीज, और ये ट्रिमर इस सील के साथ आता है। तो फटाफट से इसकी सील हटाते हैं। सबसे पहले हमें एक ट्रिमर देखने को मिलता है, इसको साइड में रखते हैं और अंदर देखते हैं हमें और क्या देखने को मिलता है। इसके अंदर हमें एक कॉम्ब देखने को मिलती है, इसके अंदर हमें एक पाउच भी देखने को मिलता है, जिसकी क्वालिटी की बात करें तो काफी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है, और इस पे MI की ब्रांडिंग की गई है। अंदर से ये कुछ सिंथेटिक टाइप का लग रहा है, और बाहर से हमें वेलवेट सॉफ्ट मटेरियल देखने को मिलता है, और इसके साथ में हमें एक ट्रिमर साफ करने के लिए, ब्लेड साफ करने के लिए ब्रश देखने को मिलता है। अंदर हमें एक केबल देखने को मिलती है चार्ज करने, ये USB टाइप केबल है, और ये डायरेक्ट ट्रिमर के अंदर लगता है, और इस ट्रिमर के साथ हमें अडॉप्टर नहीं देखने को मिलता। अब चलते हैं सीधा ट्रिमर की ओर। ट्रिमर की बात करो तो इट्स रियली ऑफ नाइस क्वालिटी, काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी का आता है ये ट्रिमर। इसके साथ हमें एक ब्लेड लगा लगाया मिलता है, और एक ब्लेड हमें साथ में मिलता है। क्वालिटी एंड फील की बात करें तो इट्स सच ऑफ नाइस क्वालिटी, बिल्कुल शार्पनिंग ब्लेड्स के साथ हमें देखने को मिलता है। इसके नीचे हम इस चार्जर को इंसर्ट कर सकते हैं, और आप कोई भी अडॉप्टर 5 वोल्ट, जैसे इसमें मेंशन किया गया है 5 वोल्ट 2 एम्पियर का, कोई भी अडॉप्टर आप इसके साथ यूज कर सकते हैं, और इसमें नीचे IP7 की रेटिंग भी लिखी हुई है। और इसकी सेटिंग्स की बात करें तो काफी अच्छी क्वालिटी का हमें इसका डायलर देखने को मिलता है। सिंगल हैंड से बिल्कुल भी फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं होता, हमें 2 हैंड्स का यूज करना पड़ता है इसके लिए। देख सकते हैं ये इसकी अच्छी क्वालिटी बताता है कि ये कितनी अच्छी क्वालिटी का हमें देखने को मिलता है। इसके अंदर हमें ये 0.5 से शुरू होता है, 0.5, 1, 1.5, 2 ऐसी सेटिंग देखने को मिलती है। ये कॉम्ब 20 लेंथ सेटिंग से सपोर्ट करती है, 20-40 mm लेंथ सेटिंग के लिए हमें ये बड़ी कॉम्ब की यूज करना पड़ेगा, और इस कॉम्ब को हटाने के लिए आपको ऐसे प्रेशर लगाना पड़ता है ओपन करके, और ये इजिली रिमूवेबल है, और आपको इसको वॉश करने के लिए यहाँ से सीधा ओपन कर सकते हैं, और इसको आप वॉश कर सकते हैं। वैसे तो ये पूरा ही ट्रिमर IP7 रेटिंग के साथ आता है, इसको आप पूरा ही वॉश कर सकते हैं, पर रिकमेंडेड यही रहता है कि आप खाली इसको ही वॉश करें, और जितना कम हो सके इस चार्जिंग पोर्ट पे कम से कम पानी का इस्तेमाल करें, ना ही करें तो ज्यादा बढ़िया है। तो इस ट्रिमर को ऑन करके इसकी साउंड सुन लेते हैं कि कैसी साउंड देखने को मिलती है। काफी अच्छी साउंड के साथ आता है, इतनी हाइट साउंड नहीं है इसकी और ट्रिमर की तरह। इसके साथ हमें चार्जिंग इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं, और ये ट्रिमर ट्रैवल लॉक फीचर के साथ आता है। अगर आप कहीं पर भी ट्रैवल करते हैं, ये बटन दब के शुरू हो सकता है आपका ट्रिमर, उससे सेव करने के लिए कंपनी ने बहुत ही बढ़िया फीचर दिया ट्रैवल लॉक फीचर। अगर आप इसको 3 सेकेंड्स तक प्रेस करके रखेंगे तो इसमें ट्रैवल लॉक एक्टिवेट हो जाता है। लेट्स ट्राई, तो देख सकते हैं इसके अंदर ट्रैवल लॉक ऑन हो चुके हैं। अगर आप इस बटन को प्रेस करते हैं तो ये ऑन नहीं होगा, देख सकते हैं आप, ये ऑन नहीं हुआ। अब ट्रैवल लॉक को डीएक्टिवेट करने के लिए आप इसको फिर से 3 सेकंड्स के लिए प्रेस करेंगे तो ट्रैवल लॉक डीएक्टिवेट हो जाता है। देख सकते हैं आप, ट्रिमर ऑन हो चुका है। और फटाफट से आप इसको यूज करके दिखाते हैं कि इसका यूज कैसा है, इसका कैसा एक्सपीरियंस देता है यूज करने में हमें। नाउ इट्स रिव्यू टाइम। मैं बियर्ड की लेंथ सेटिंग 7 नंबर पर सेट कर रहा हूँ अपने हिसाब से, बाकी आप सब अपने हिसाब से देख सकते हैं।
always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Simply, hairs को remove करने के लिए आप comb को हटा के hair remove कर सकते हैं और उसके बाद वापस insert करके आप use कर सकते हैं. इसी तरह दूसरी साइड भी हम सेम लेंथ सेटिंग के साथ बियर्ड ट्रिम करेंगे. और अब बारी है फ्रंट बियर्ड की. फ्रंट में हम साइड बियर्ड से ज्यादा ही लेंथ सेटिंग रखते हैं, तो फ्रंट में मैं 9 mm सेट कर रहा हूँ. I just wanna keep moving, keep my head up when I act. Head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up. ऑलमोस्ट ट्रिम हो चुकी है. अब जो लाइन वाला पोर्शन क्लीन कर लेते हैं. सिंपली ब्लेड को रिमूव करके आप लाइन मार के इसको सीधा रिमूव कर सकते हैं. जैसा कि आप देख सकते हैं, रेजर यूज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ी. काफी अच्छी तरह से क्लीन हो चुका है ये. और फाइनली बियर ट्रिम हो चुकी है. काफी सही लग रहा है, काफी सही लुक आ रही है, काफी इफेक्टिव ट्रिमर है ये अकॉर्डिंग टू मी. बाकी आप सब यूज करेंगे आपको तभी पता चलेगा. बाकी मेरी तरफ से इसको 10/10. और सिंपली आप इसको वॉश कर सकते हैं. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये फुली वाटरप्रूफ है. सिंपली कॉम को रिमूव करके और आप इस ब्लेड को भी रिमूव कर सकते हैं वॉश करने के लिए. तो इस वीडियो में हमने इस MI बियर्ड ट्रिमर की अनबॉक्सिंग की है, रिव्यू की है. और सबसे खास, जब से मैंने इसको ली है तब से मैंने इसके अंदर चार्जिंग निकाली और मिनिमम 4 times मैं इसको यूज़ कर चुका हूँ. और अभी भी इसके अंदर देख सकते हैं आप 2 डंडे बचे हुए हैं. तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बैटरी कितनी अच्छी, कितनी चलती है इसकी बैटरी. और इससे पहले मैं फिलिप्स का ट्रिमर यूज़ करता था, उसकी बैटरी तो ऑटोमेटिकली ड्रेन होती रहती थी पड़े पड़े. एक चार्ज में वो मिनिमम हाफ एन आवर मुश्किल से निकालता था. और सेकेंड टाइम उसको यूज़ करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता. पर ये ट्रिमर काफ़ी बैटरी के मामले में काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है. सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. ओके गाइज, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.